खातेगांव की ग्राम सागुनिया में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में बच्चों से मध्यम भोजन के बाद अंबिका समूह के द्वारा झूठे बर्तन साफ कराए जा रहे हैं। एक और तो माननीय मुख्यमंत्री भांजे भांजी को उच्च शिक्षा देना चाह रहे हैं, वहीं हजारों की तनख्वाह लेने वाले अध्यापक के द्वारा बच्चों को बाहर बिठा कर भीषण गर्मी में खाना खिलाया जा रहा है एवं बर्तन भी उन्हीं बच्चों से साफ कराए जा रहे हैं। अगर बच्चा भोजन और बर्तन साफ करने में ही समय खत्म कर देगा तो फिर पढ़ाई कब करेगा। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को मध्यम भोजन में मेनू अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है एवं एक या दो रोटी एवं दाल दी जाती है एवं बच्चों को भरपेट खाना नहीं दिया जाता है, जबकि स्कूलों में बच्चों की संख्या 178 और उपस्थित मात्र 40 से 50 बच्चों की है एवं भोजन 80% के हिसाब से बनाया जाता है। इसी प्रकार 30 से 40 बच्चों को शासन द्वारा मिलने वाले हरा मूंग आज दिनांक तक नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों को शिक्षा के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा एवं अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे कि कल का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन ग्राम सागुनिया में बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अध्यापक इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं एवं भोजन भी स्कूल के बाहर बने ओटले पर बैठा कर कराते नजर आए। अगर जब शिक्षक ही सही संस्कार नहीं देगा तो बच्चों का आगे क्या भविष्य होगा। शिक्षा विभाग में धांधलियां चल रही है, लेकिन अधिकारी गण साल में कभी एक आधी बार निरीक्षण करने पहुंचते हैं, वह भी कागजों पर ही सिमट कर रह जाता है। इस विषय में प्रभारी प्राचार्य यादव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बच्चों ने आज ही बर्तन साफ किए हैं। नहीं, रोज नहीं धोते हैं, वो तो बच्चों को हमने समझा दिया, लेकिन कोई क्या करता, जल्दबाजी के कारण धो देता, बाकी रोजाना हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ पे लगे समूह वही धोते। नहीं, ऐसा नहीं होता है, मेनू के अनुसार ही बनता है, लेकिन पर्याप्त भोजन जितना हो 100 ग्राम या 50 ग्राम के हिसाब से आता है, उस हिसाब से भोजन बनता है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।